हेलो दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं हेड एक कॉन्फ्रेंस। आज की वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मोबाइल का होम जो होम बटन होता है जिसकी आप जिस टाइम काम करते हो अभी भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अपने होम बटन पर जाना होगा। अगर होम पेज पर जाना होगा तो होम बटन को जो है ना उसको क्लिक करना होगा, फिर जाओगे तो आप कैसे कर पाओ जो है ना होम बटन को। अगर आपका खराब हो जाए या फिर आपका वॉल्यूम बटन खराब हो जाए तो आप कैसे अपनी मोबाइल को यूज़ कर सको। ये तो खराब हो सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आप कैसे आप अपना जो है ना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में वैसे बैठा था तो आपको ये ऐप मेरे को नज़र आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि मेरे जो ना मेरे पास कोई अभी स्टैंड वगैरह नहीं है। मेरे जो अगर चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं है। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो बना रहा हूँ अभी, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में मेरा स्टूडियो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर लाइक करना मेरा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा आपको मेरी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी अब मैं वीडियो दूंगा तो आपको आगे चल के सारा कुछ पता चल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर ये एप्लीकेशन निकल के आ जाती है। यहाँ पर ये नेविगेशन बार यहाँ इसका नाम है। यहाँ पर आपको जो ना ये प्ले स्टोर पर भी ईजिली अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर नेविगेशन बार आप दे इसको जो है ना ओपन कर लेना डाउनलोड करके, उसके बाद प्लीज़ टर्न ऑन नेविगेशन बार असेंबली सर्विस। तो यहाँ पर पहले हमने जो करना है वो आपको गो टू सेकंड सेटिंग पे जाना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है, उसके बाद ये तो मेरा अनेबल है तो उसके बाद जो ना यहाँ पर इसके जाना है, यहाँ पर नेविगेशन बार यहाँ पर इसको जो ना अलो कर देना है। एजेंसी यहाँ पर मैंने इसको अलो कर दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा ऐड आएगा तो उसको ऐड को यहाँ से हमने जो है ना रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए हाइट का आपको ऑप्शन मिलेगा, कितनी हाइट होनी चाहिए ये नीचे आप देख सकते हैं ये हाइट कम ज़्यादा हो रही है, तो इसकी हाइट का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी होनी चाहिए। ये मैं इतनी कर देता हूँ, फिर बड़ी कर देता हूँ, फिर बाद में छोटी कर दे दूँगा यहाँ पर इतनी। और इसके यहाँ मूव अप और डाउन यहाँ पर ये देखिए ये और नीचे और ऊपर जाएगी, यहाँ पर इसको जो इतना रखता हूँ। उसके बाद जो ना एडजस्ट बटन प्रेस यहाँ पर ये देखें ये कितनी दूर होना चाहिए, ये कितनी दूर होनी चाहिए। यहाँ पर इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो इनका कलर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये कलर चेंज किया ये हो गया, अगर आप बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी कर सकते हैं। यहाँ पर एजेंसी यहाँ पर यह बटन का कलर चेंज कर रहा हूँ तो वो भी हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ये इसका जो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर इसको इनेबल करोगे तो ये जो है ना होम पेज वाला तो बीच में ही रहेगा लेकिन ये जो बैक करने वाला है ना ये चेंज हो जाएगा। अभी बैक करने वाला उस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये देखना यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक करने वाला जो है ना इस तरफ आ गया और वो उस तरफ चला गया। यहाँ पर ये जो मेरा वैसे भी मोबाइल में ऐसी सेटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेंसी नीचे इसी में कर देता हूँ इसको। उसके अलावा यहाँ पर अगर टच करो इसके ऊपर तो वाइब्रेट हो तो यहाँ पर इसको जो है ना 120 कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैंने टच किया तो यहाँ पर ये वाइब्रेट हो गया, एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने टच किया तो यहाँ पर ये वाइब्रेट हो गया। तो इसको भी मैं अभी बंद कर देता हूँ, ये इतना सही नहीं है ऑप्शन। इसको भी यहाँ आपने यही रखना है, इसको नहीं छेड़ना। इसके अलावा जो है ना आप सेकंड ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है एक्शन, यहाँ पर एक्शन पे चल रहा हूँ। यहाँ पर एड आ गया तो इसको जो है ना रिमूव करना है, लॉन्ग प्रेस एक्शन यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग प्रेस करें तो हम क्या ओपन होना चाहिए। तो पहले लुक स्क्रीन लॉक स्क्रीन, उसके बाद पावर मेन्यू, उसके बाद लेफ्ट बटन और लॉन्च कैमरा, यहाँ पर अप वॉल्यूम कंट्रोल, ये सारे कुछ ये आपके पास आ जाएंगे। वेब सर्च यहाँ पर वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं, लॉन्च वेब ब्राउज़र सेटिंग ब्राउज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉन्च दिस एप्लीकेशन जो भी आप करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन तो जो है ना अच्छा रहेगा, यहाँ से मैं इसको लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर फ्लेक्स, उसके बाद होम को जो है ना यहाँ पर आप इसको एक मिनट, यहाँ पर आप इसको जो है ना बैक बटन को प्रेस कर, यहाँ पर जो ये बटन है इसको प्रेस करके रखोगे ना तो आपका जो लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपका लॉक हो जाएगा मोबाइल। तो मैं इसको जो अभी इसके ऊपर नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ वेब सर्च के ऊपर कर देता हूँ, उसको वेबसाइट सर्च हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रखना हूँ लॉक, और यहाँ पर रखना हूँ, यहाँ पर रखता हूँ यहाँ पर मैं रखता हूँ वॉल्यूम अप कंट्रोल, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम अप कंट्रोल रख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन भी हमारा सेट हो गया, उसके बाद ये दोबारा से ऐड आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिज़ाइन जो है ना कस्टम कर सकते हैं, जो भी आपको कस्टम करना चाहिए यहाँ आप कस्टम भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो है वो भी आप कर सकते हैं। ये सारे डिज़ाइन आप, ये जो आप देख रहे हैं ना ये सारे डिज़ाइन आप लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने ये लगा दी, ये लगा दी, ये जो सा आपको चाहिए आप लगा सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलेंगी। अगर आपके ये जो नीचे वाले बटन इसके मोबाइल के ओरिजिनल है ना वो अगर ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना तो आपका सही हो जाएगा सिस्टम, वो उनका काम ही नहीं होगा फिर इनका काम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जो है ना इतने वाइट नहीं है, और ये इतने ब्लैक हैं, और ये इतने डार्क ब्लैक हैं, तो क्यों इसलिए, तो यहाँ पर ये सारे लॉक होंगे। आप जो है ना 28 जो है ना आप एड्स देखोगे, एड्स 28 ये अनलॉक हो जाएंगे, ये सारे आप देख सकते हैं। ये तो सैमसंग वाला है, यहाँ पर ये 28 देखना पड़ेगा, उसके बाद ये इनेबल होगा। तो ये सारे आप जो है ना 28 के बाद आप जो है ना इनेबल कर सकते हो अपना, अगर इनको इनेबल करना है तो 28 आपको देखना है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर इनको आप इनेबल कर सकते हैं। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग। और दूसरी कोई वीडियो मेरे को अच्छी लगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और दिखाऊंगा। उसके पहले जो ना वीडियो एंड करूँ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये इसको मैंने लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पर मोबाइल लॉक हो गई जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो वॉल्यूम वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको मैं कम करूँ या ज़्यादा करूँ। मैंने जैसे कि आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर आपका वॉल्यूम बटन भी ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से आप ये इसको प्रेस करोगे उसके बाद वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद ये नीचे ऊपर करें जो भी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर जो ना मैंने इसके ऊपर रखा था, आप उसकी मर्ज़ी की तीनों में से जिसके ऊपर जो रखना चाहें। उसके बाद यहाँ पर इसके मैंने रखा था ब्राउज़र सर्च होना चाहिए, यहाँ पर ये ब्राउज़र सर्च हो गया। उसके बाद जो है ना यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ हो रहा है, अभी लॉक कर देता हूँ मैं अपने मोबाइल को, देखना ये लॉक हो गई अपने मेरे मोबाइल, यहाँ पर ये जो ना अभी हो गई, अभी मैं लॉक करके आपको दिखा देता हूँ, लॉक ओपन करके कि ये जो ना फिर भी ये एप्लीकेशन देता है। यहाँ पर मैं लॉक किया, यहाँ पर हमें आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिर भी ये एप्लीकेशन मेरी होती है। कोई कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है कि जो है ना यहाँ पर लॉक करते हो तो दोबारा आपको इसको अनेबल करना पड़ता है, यानी आप इसको डिलीट करोगे तब भी ये जाएगा, वरना आपका कभी भी नहीं जाएगा, ये डिलीट करोगे तो आपका फिर जाएगा ये। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।